अस्सलाम वालेकुम। हमारा व्लॉग आज से इधर से शुरू हो गए हैं और हमारे न्यू व्लॉग के अंदर आज है सीरम। ठीक है, ये सीरम है हमारे के जैसे हमारे पार्लर के अंदर ये वैसे सेल होते हैं और जैसे 24 घंटे ऑलरेडी सेल होते हैं ये। तो इस सीरम का फायदा फ्रेंड्स ये है कि अगर आपके फेस के ऊपर फालतू बाल हो या आपके फेस के ऊपर छाइयां हो, छाइयां इतनी ज्यादा हो कि वो बिल्कुल भी नहीं उतर रही, काफी डॉक्टरों से इलाज करवाया है और काफी छाइयों की ट्रीटमेंट की है, उससे नहीं उतरती। लेकिन जो हमारा ये सीरम है पिंकिश सीरम है ये हमारा, देखिए जरा नजदीक से। और ये है कि आप आए हमारे पार्लर में और आके अपने स्किन का ट्रीटमेंट भी करवाएं और आप हमसे सीरम भी परचेज करें। इस सीरम के काफी सारे फायदे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सीरम के फायदे हैं जी, आपके एक तो फेस की झुर्रियां खत्म करेगा और एक आपकी छाइयां खत्म करेगा और एक आपके फालतू बालों को खत्म करेगा। फालतू बालों के साथ साथ जो आपको बारीक बारीक पिंपल्स होते हैं, पिंपल जब खत्म हो जाते हैं तो उसके कुछ निशान रह जाते हैं, पिंपल्स अपने निशानों को कहीं छोड़ जाते हैं। अगर हम इस सीरम को अगर हम महीना दो महीना लगाएं तो आपके वो जो अपने जो पिंपल्स के निशान पे होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी एक और बात, इसके साथ आपकी स्किन भी ज्यादा से ज्यादा ग्लो करेगी और स्किन आपकी ज्यादा टाइट होगी। और अगर आपका कलर है ब्लैक, ठीक है ना, ये आपके कलर को बिल्कुल इतना वाइट करेगी कि आप लोग बिल्कुल खुश हो जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सीरम मैं खुद भी यूज करती हूँ और मैं अपने क्लाइंट को वो चीजें देती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ। ठीक है, और इस सीरम के इतने सारे फायदे हैं कि मैं आपको जितना बताऊं उतना कम। ये इस सीरम से ये है कि अगर आप इस सीरम को छोड़ते हो तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी क्रीमें होती हैं कि वो मसल के लगाते रहे वो बाद में साइड इफेक्ट कर जाती है छोड़ने के बाद, लेकिन आप मेरे सीरम को लगाने के बाद छोड़ भी दें तो आपको साइड इफेक्ट नहीं करेंगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ जो मेरी बहनें होती हैं वो फेस के ऊपर जी लगाती है क्लोबोबेट, मलासमा क्लोबोबेट। आपको पता है कि क्लोबोबेट किधर लगती है, जब हमारा छोटा बेबी पैदा होता है तो हमारा अप्रेट होता है, अप्रेट के दौरान वो लगती है क्लोबोबेट और वही लेडीज क्रीमों में लगा के फेस के ऊपर लगाती हैं, फिर उनकी ये जगह रेड हो जाती है। ठीक है, ये जगह रेड हो जाती है, फिर वो रोती हैं हमारे फेस को क्या हो गया, फेस खराब हो गया, ये नहीं पता कि आप लोगों ने खुद खराब किया है। ठीक है, इस चीजों का काफी सारा नुकसान है जो आपको बाद में फिर पछतावा होता है, लेकिन अच्छी चीजें यूज करें। मैंने पहले भी कहा है कि फेस के और बालों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत किया करें आप लोग। और ये सीरम आप हमारा परचेज करने के लिए मैंने अपना जो हमारा जो पार्लर है वो मुल्तान मुमताजाबाद के बिल्कुल नादरा, आप इसके बिल्कुल नेक्स्ट साइड पे पिंकिश ब्यूटी बार, ठीक है ना। और ये सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक ओपन रहता है। अपने बालों के स्किन की और अदरवाइज पेडिक्योर मैनिक्योर और बालों की कटिंग और स्टिकिंग कुछ भी करवाना चाहे तो आप मेरे पार्लर से करवा सकते हैं जी फ्रेंड्स। फिर हम आपके पास आपकी किस्मत में आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मेरा सीरम और साथ मेरी क्रीम पिंकिश क्रीम का आपको पता है कितना फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है कि ये चीज वो है जो मैं खुद यूज करती हूँ। मैं ये 20 साल से यूज कर रही हूँ और मैं खुद बनाती हूँ, मैं अपने क्लाइंट को वो चीज देती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, वरना अदरवाइज मैं कोई ऐसी चीज फालतू नहीं देती जो चेहरे के ऊपर निशान रह जाए, रेडपन पता रह जाए। लेकिन ये है कि कुछ लोग क्रीम लगाने के बाद छोड़ दे तो उनके निशान बन जाते हैं, मेरी क्रीम से कोई निशान नहीं बनते और ये मेरे सीरम से कोई निशान नहीं बनते। आपको 100% में आपको इतनी गारंटी देती हूँ, 100% आपको गारंटी देती हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप मेरी क्रीम एक मरतबा यूज करें, रात को लगाएं और सुबह ठंडे पानी से चेहरे को अच्छे से धोएं और फिर आप देखना इसका रिजल्ट कैसा है। सिर्फ 5 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 12 रबी अव्वल आ गई है, मेरी बहनों की शादी है और शादियों के साथ साथ आपको पता है कि बहनें सहेलियां मासियां ताई चाची हैं वो सब कहती हैं कि हमने गोरा चिट्टा होना है। जब तक आप अपना कलर वाइट नहीं करेंगे तो आपको कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा। जब आपका कलर ज्यादा से ज्यादा ग्लो करेगा तो ड्रेस भी आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपको ड्रेस इतने महंगे आपको खरीदने का
कोई फायदा नहीं है जब आपका चेहरा भी अच्छा ना हो। तो उसके साथ साथ मैं लेके आई हूँ आपके लिए खुशखबरी के पिंकिश क्रीम, ठीक है ना। ये मैं खुद अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस देख लें बिल्कुल बगैर फिल्टर के है, कोई छाई नहीं, कोई भी कोई ऐसे निशान नहीं है कि मैं खुद भी ये अपने क्रीम यूज करती हूँ और ये सीरम भी मैं यूज करती हूँ। पिंकिश पार्लर में आए आप, आके ये चीजें आके आप परचेज करें। अगर आपको ये मेरा क्या कहते हैं कि चीजें चाहिए हो तो आप टिकटॉक पे जाएं और उधर से आप मेरा नंबर निकालें, नंबर निकाल के आप मुझे करें व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता करें। रब्ता करने के बाद आपको इन चीजों की सारी डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं, कोई दो नंबरी नहीं। आपको बताए करीम हमारी पिंकिश करीम इतनी अच्छी है कि 5-10 दिनों के अंदर स्किन के ऊपर इतनी प्यारी ग्लो ले आती है। जब आप ड्रेस पहनोगे और मेरी बहनें दुल्हनें जो बनेंगी प्यारे प्यारे मेकअप करवाएंगी तो ज्यादा खूबसूरत लगेंगी, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें खूबसूरत हों और प्यारी लगें इंशाल्लाह ताला। और ये क्या कहते हैं मेरी करीम खरीदने के लिए टिकटॉक पे जाना, टिकटॉक से मेरा नंबर निकालना इंशाल्लाह ताला, मैं आपके साथ आपसे खुद बात करूंगी, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ठीक है। अब तक के लिए थोड़ा सा रुक जाओ जी। फ्रेंड्स हमारे पास है फिर केराटिन मास्क, ठीक है ना। केराटिन मास्क का आपको पता है कि हर यूट्यूब चैनल पे और हर टिकटॉक पे जिधर पे आप देखें केराटिन मास्क देखें। केराटिन मास्क कुछ होते हैं लोकल जो हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं चाइना से। और ये केराटिन मास्क ऐसे होते हैं कि ये बालों को प्रोटीन देते हैं, बालों को जान देते हैं, बालों को रिपेयर करते हैं कि हमारे बाल इतने सारे कलर करवा करवा के, केराटिन करवा करवा के, कर्डोन करवा करवा के। फिर ऐसा होता है कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमारे बालों में सबसे पहले कलर होता है, कलर के बाद हम कहते हैं चले जी चलते हैं पार्लर में जाके स्टिकिंग करवा लेते हैं, फिर जाके स्टिकिंग करवाते हैं, फिर कुछ दिन गुजरता है फिर कहते हैं चले जी हम पार्लर में जाके कर्डोन करवा लेते हैं, कोई एक बेस ले आते हैं। अच्छा जी कुछ दिन अपने ऐसे गुजरते हैं, कुछ दिन के बाद कहते हैं यहाँ जाके हम देखे एश कलर करवा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि जी जाके देखे सिल्वर कलर करवा लेते हैं। ये बाल हैं तुम्हारे कुछ क्या कहते हैं कोई इंटेंस सिमट घर नहीं है, जितना सारा जुल्म हम लोग करते हैं बालों के ऊपर क्यों वाय क्यों करते हैं हम जुल्म, इतना नहीं करना चाहिए हम इतना जुल्म। और फिर दूसरी बात है कि जब इतनी सारी प्रोडक्ट इतने सारे हैवी केमिकल आपके बालों के ऊपर लगेंगे तो फिर क्या होगा, बालों का सुब्बी बन जाएगी, सुब्बी बर्तन धोने वाली जो बड़ी सुब्बी नहीं होती है मरूंडा बन जाएगा, वो जो इतनी बड़ी बड़ी सुब्बियां होती है जिससे हम पतीले मांज रहे होते हैं धड़ाधड़ पतीले, ये हमारे बालों का फिर वो असर हो जाता है। फिर हम कुछ दिन के बाद जाते हैं कि अब जाके इसे केराटीन करवाए, जब वो केराटीन होती है तो बाल स्प्रिंग कर जाते हैं, स्प्रिंग करके ऊपर चले जाते हैं, फिर वो सीधा होना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर क्या कहते हैं पार्लर वाली का कसूर, पार्लर वाली ने ये कर दिया वो कर दिया फला कर, नहीं ये पार्लर वाली नहीं करती है, हम खुद करती हैं, ये सब कुछ हमारी गलतियां होती हैं, हमारी गलतियों का सिला हमें मिल जाता है, ठीक है मेरी बहनों और मेरे भाइयों और मेरी फ्रेंड्स और मेरी सोनियों मेरी मनमोनियों। तो आप इस तरह ना किया करें बिल्कुल भी। और ये फिर अगर इस तरह के बाल स्प्रिंग वाले हो जाए तो आप फिर केराटिन मास्क यूज किया करें। केराटिन मास्क करने का क्या तरीकाकार है मैं आपको बताऊं। देखिए कुछ लोग होते हैं जी केराटिन मास्क को सिर्फ देते हैं 5-10 मिनट, नहीं केराटिन मास्क को 25 मिनट दो, 25 मिनट बालों के ऊपर लगा के ना अपनी जड़ों को छोड़ के बालों के अच्छे से लगा के ना उंगलियों के साथ मसाज करके अच्छे मसाज करके इसको आप अच्छा सा छोड़ दो इसे, ठीक है ना। अगर आपका दिल करे तो ऊपर से आप शॉपर वाली कैप भी पहना दो, ठीक है ना। फिर ये क्या स्टीम होंगे कि बाल आपके अच्छे हो जाएंगे, स्मूथ नरम सॉफ्ट, वो स्प्रिंग वाला जो होंगे ना बाल वो थोड़ा सा अच्छा होने लग जाएगा, वरना तो ऐसे आपके बाल खत्म हो जाएंगे। ये केराटिन मास्क इन बालों के लिए है जिनका मैंने आपको बताया है कि आप इतने प्रोडक्ट 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 लगा के बालों को सुब्बी बना लेते हो, उसके लिए ये मास्क है, अदरवाइज और कोई मास्क नहीं है, ठीक है ना। आज का ब्लॉग हमारा यही खत्म होता है, कल फिर मिलते हैं नए काम के साथ, नई चीजों के साथ और नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज पिंकिश की तरफ से, बाय बाय।